ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ कासामृत, सूखी कफयुक्त एलर्जी खांसी में उपयोगी। एक हजू में एक लहर है, लहर है, जी काय की लहर है, ये विकास की लहर है और मुस्लिम समाज अब्दुल को दिख रहा है कि अब हमें कहाँ जाना है। ये विकास भैया का, हमारा हनी भैया का इस्तकबाल है और ये विकास की लहर है, इंशाल्लाह ऐसी लहर आएगी पूरी यूपी देखेगा। ये तस्वीरें हैं आजम खान की गढ़ रामपुर की। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले आजम खान को रामपुर में ही झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके इलाके में मुसलमान भी बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। हम इस वक्त रामपुर में हैं, रामपुर में भाजपा का रोड शो चल रहा है, आकाश सक्सेना का, मैं दिखा सकता हूँ, ढोल नगाड़ों से स्वागत है, मुसलमान बड़ी तादाद में भाजपा के अंदर रोड शो में शामिल है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा को पलट के दिखाएं कि देखें किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे मुसलमान आतिशबाजी कर रहे हैं भाजपा के लिए, आजम के गढ़ के अंदर रामपुर के मुसलमान जो है रामपुर के मुसलमान भाजपा का स्वागत करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, आतिशबाजी हो रही है, क्या कहेंगे। एक हजू में एक लहर है, लहर है जी, काय की लहर है, ये विकास की लहर है और मुस्लिम समाज अब्दुल को दिख रहा है कि अब हमें कहाँ जाना है। ये विकास भैया का, हमारा हनी भैया का इस्तकबाल है और ये विकास की लहर है, इंशाल्लाह ऐसी लहर आएगी पूरी यूपी देखेगा। हनी भैया विकास की गंगा बहाने वाले जा रहे हैं। ये पूरा मेरे साथ अभी आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जहाँ मुसलमान रोड शो में शामिल है रामपुर के अंदर, क्या कहेंगे आप, इतिहास रचा जाएगा, बहुत तगड़ा विधायक होगा हमारा हनी भैया। इतिहास मैं दिखाना चाहूंगा कि इतिहास रचा जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा विजुअल दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इतिहास रचने की बात यहाँ रामपुर के मुसलमान कर रहे हैं, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा नज़ारा रोड शो का कि किस तरीके से रामपुर के मुसलमान रोड पर हैं और आकाश सक्सेना के साथ रोड पर नजर आ रहे हैं। कि अब मैं दिखाऊंगी लोग, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज के बाद सब रोड शो रखा गया था, यहाँ सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, काफिला आ रहा है आकाश सक्सेना का, आज वो रोड शो कर रहा है। बदलाव आएगा, क्या कहेंगे, रामपुर एक तरफा हो गया बीजेपी के लिए जी, क्या वजह रही, क्या भाई आजम खान ने रामपुर का विनाश कर दिया, विनाश कर दिया, क्या कहेंगे। इस बार पूरा रामपुर का मुस्लिम समाज आकाश भैया के साथ आ चुका है। बोला आजम हनी भाई दफा इतिहास रचने जा रहे हैं। हनी भाई 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। योगी जी मंत्री बना के भेजेंगे, कैबिनेट मंत्री बना के भेजेंगे। रामपुर के मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि शायद मेरी आकाश सक्सेना जी से भी बात हो जाए, ये मैं पूरी कोशिश करता हूं। आकाश भाई क्या कहेंगे आज? देखिए आज इस तरीके का जो समर्थन मुझे आज मुस्लिम समाज से मिल रहा है वो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है। मुसलमान बड़ी तादाद में है, मैं देख रहा हूँ आज। देखिए यहाँ का मुसलमान अब जग चुका है और वो समझ चुका है कि 50 सालों में वो एक अंधेरे में था और आज सिर्फ योगी सरकार को वो अपना अपने आप को एक सुरक्षा का माहौल में समझ रहा है। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, जो मोदी जी का जो नारा है वो आज आपको रामपुर में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने रामपुर के आकाश सक्सेना जी से जो भाजपा के प्रत्याशी से बात की, पूरा माहौल हमने अपने दर्शकों को दिखाने का कोशिश की है। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।